जैसा कि हम सभी जानते हैं और सदियों से हम यह सुनते भी आ रहे हैं कि शेर झुंड में रहते हैं, जिसे हम सभी प्राइड्स कहते हैं। और शेर एक सामाजिक जानवर होता है और इसी वजह से कई शेर मिलकर आपस में गठबंधन बना लेते हैं, जिससे वे अपने टेरिटरी में डोमिनेट रह सके। और ऐसे ही कई गठबंधन अलग अलग शेरों का मसाई मारा नेशनल रिजर्व में अक्सर देखा जाता था। मसाई मारा केन्या में स्थित नेशनल रिजर्व है, जहां 6 बड़े और दमदार शेरों का एक गठबंधन था, जिसे हम सभी नॉच कोएलिशन के नाम से जानते हैं, यानी नॉच गठबंधन के नाम से। इन्हीं शेरों ने मसाई मारा की सरजमीन पर लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर अपना राज किया था। एक ऐसा ही गठबंधन था साबी सैंड में मपुगो लायंस का, जिस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नॉच शेरों ने एक दशक तक राज किया था, जब ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे, 2008 से लेकर 2017 के दौरान। नॉच लायंस की गठबंधन दूसरी सबसे पॉपुलर और फेमस कोएलिशन थी मपुगो लायंस के बाद। नॉच शेरों ने अपने राज में कई प्राइड्स पर कब्जा किया और अपने टेरिटरी को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। आज हम बात करेंगे कैसे बना यह गठबंधन, कैसे हुआ अंत इन लेजेंडरी शेरों का। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द किंगडम ऑफ अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। नॉच एक आइकॉनिक मेल लायन था, जो सबसे पहले मसाई मारा में साल 2003 में अपने पार्टनर के साथ देखा गया था। एक साल बाद ही नॉच और उसके पार्टनर ने मार्श प्राइड पर कब्जा जमा लिया था, जहां बाद में कई बच्चे पैदा हुए। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और सब कुछ सही चल रहा था कि साल 2005 में एक दिन नॉच को रियलाइज हुआ कि वह अपने प्राइड में इकलौता मेल लायन बचा है, जब 3 शेरों ने आकर नॉच के पार्टनर और कई बच्चों को मार डाला। और माइटी नॉच के लिए यह बहुत ही बड़ी चुनौती था इकलौते होने के साथ साथ 8 बच्चों को बचाना। नॉच ने बहुत ही होशियारी से काम लिया और अपने आप को और उन बच्चों को जितना हो सके महफूज और लो प्रोफाइल रखने की कोशिश किया। नॉच दहाड़ता भी नहीं था, क्योंकि दहाड़ने से दूसरे शेरों को पता चल जाता कि नॉच कहाँ है और कितने शेर हैं नॉच के साथ, जिससे बेवजह नॉच को परेशानियों का सामना करना पड़ता। ऐसे ही मुश्किल हालात का सामना करते हुए नॉच ने किसी तरह 2 साल गुजार दिए। फिर साल 2007 में एक दिन ऐसा आया जब उन्हीं 3 शेरों ने नॉच पर हमला कर दिया, जिन्होंने नॉच के पार्टनर को 2005 में मारा था। इस समय नॉच को हार मानना पड़ा और अपनी टेरिटरी को छोड़ना पड़ा। जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी शेर के प्राइड पर कब्जा कर लिया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उस शेर का अंत हो गया, क्योंकि इकलौता शेर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन नॉच ने जो कर दिखाया वह बियॉन्ड इमेजिनेशन था। नॉच उन 3 शेरों से हारने के बाद अकेले अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ा, बल्कि अपने 5 बेटों को साथ ले गया। और लगभग 1 साल से ज्यादा तक नॉच अपना और अपने 5 बेटों का ख्याल रखा और उनको दिन ब दिन साइज और आकार में बड़ा होते हुए देखा, और इस तरह तैयार हुआ मसाई मारा के इतिहास का सबसे फेमस गठबंधन, द नॉच कोएलिशन। नॉच के बेटों का नाम नॉच 2, सीजार, लॉन्ग, रॉन और ग्रीमेस था। साल 2008 के अंत तक नॉच और उसके बेटों ने मसाई मारा में जंग का ऐलान कर दिया, जब उन्होंने बारी बारी से दूसरे प्राइड्स पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना भी। एक समय ऐसा आया जब नॉच और उसके बेटों ने 4 प्राइड्स पर अपना कब्जा जमा लिया, और किसी में इतनी साहस नहीं थी कि इन शेरों को चैलेंज कर सके। ये सबसे पावरफुल और डोमिनेंट फोर्स थे मसाई मारा के, जो बन चुके थे अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द मसाई मारा। 2008 से लेकर 2010 के दौरान ये इतने ज्यादा एक्टिव थे कि वे अपने रास्ते में आए किसी शेर को नहीं छोड़ते थे, और जिस प्राइड में जाते थे उस प्राइड के शेर को ये मार देते थे या फिर उसे खदेड़ देते थे।
इन दिनों इनके कहर से पूरा मसाई मारा कांपता था। इन्हें कोई नहीं हरा सकता था, ये अजय हो चुके थे। नौच गठबंधन को सबसे पहला झटका तब लगा जब साल 2010 में माइटी लॉन्ग अपने भाइयों से अलग होकर मारा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया और किसी ने उसे ट्रेस नहीं कर पाया। इस बड़े लॉस के बाद भी नौच और उसके बेटे मसाई मारा में डोमिनेंट थे और एक पावरफुल गठबंधन को दर्शा रहे थे। नौच 2, सीजार, ग्रीमिस और रॉन अपने पिता नौच के संरक्षण में अपने टेरिटरी को बढ़ा रहे थे और साल 2013 में नौच खुद मारा गया जब वो किसी दुश्मन की टेरिटरी में चला गया था। अपने पिता को खोने के कुछ महीनों बाद ही शेरनियों के तलाश में ग्रीमिस भी गायब हो गया और कभी नहीं लौटा। पिता और भाइयों के जाने के बाद भी रॉन, नौचटू और सीजार बचे हुए थे जो अब काफी सतर्क थे और अभी भी डोमिनेंट थे और रास्ते में आए किसी को नहीं छोड़ते थे। कुछ साल बहुत ही शांति से गुजरा जब 2016 के मिड में रॉन अचानक कहीं चला गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। रॉन को सैंड रिवर के शेरों ने मार डाला था। एक शेर लगभग 10 से 14 साल तक जीवित रहता है और सीजार साल 2017 तक बूढ़ा हो चुका था और उसके पैर में एक घाव था जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता था। वेटनरी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट भी किया लेकिन 2 महीने बाद उसकी हालात बहुत बिगड़ गई और मारा रिवर के पास एक दिन वो दम तोड़ दिया। सीजार के मौत के बाद अब सिर्फ एक ही बचा था और वो था नॉच 2। 13 साल की उम्र में एकदम अकेला नॉच 2 के लिए यह नोमैडिक जीवन जीना काफी कठिन लग रहा था क्योंकि नए नए शेर जो जवान थे हर तरफ घूम रहे थे और किसी पल उसकी जान ले सकते थे। नॉच 2 आज उसी जमीन पर डर डर कर जी रहा है जहां कुछ साल पहले उसका राज चलता था। नॉच 2 एक दिन गायब हो गया और सबको लगा जैसे वह मारा गया हो, लेकिन बात कुछ और ही थी। लेजेंडरी नॉच 2 अपने बेटे के साथ वापस आया जिसका नाम था स्पेयर बॉय और अपने बेटे के साथ गठबंधन बनाकर रहने लगा। नॉच अब 15 साल का हो गया है और अपने बेटे स्पेयर बॉय के साथ रह रहा है। यकीनन हम कह सकते हैं नॉच कोएलेशन मसाई मारा का सबसे बेहतरीन कोएलेशन था जिसे आज हम सभी याद करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट में बताइए कि कौन बेस्ट है, मापोगो लायंस या नॉच लायंस। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.